नमस्कार, मैं हूँ आलोक। श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में सुनने लिए नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और मनोरंजक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आपको इस वीडियो में अभिनव शिक्षण तकनीक से संबंधित उत्तर प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक बहुत ही रोचक नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस नवाचार का नाम है रोल प्ले से शिक्षा। शिक्षक कई विधियों से बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन छात्र केंद्रित शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि मानी जाती है। इसी गतिविधि का एक जो तरीका है वो है रोल प्ले से शिक्षा। इसके अंतर्गत बच्चों को अनुभव करके सिखाया जाता है। जैसे कई विषय बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं और जटिल होने के कारण उनमें शिक्षक ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इनमें प्रयोगात्मक क्रियाएँ करा सकते हैं। उसके उस तरीके से जिन बच्चों को ये कठिन विषय लगता है उन बच्चों से रोल प्ले के माध्यम से इस गतिविधि को कराया जाता है। अगर मैं योग आवश्यक सामग्री की बात करूँ तो इसमें आवश्यक सामग्री की जरूरत तो है नहीं, बस एक चार्ट पेपर की जरूरत है। अब मैं क्रियान्वयन की बात कर रहा हूँ। शिक्षक सबसे पहले उन विषयों की सूची तैयार कर लेते हैं जिनकी प्रयोगात्मक क्रियाएँ की जा सकती हैं। फिर शिक्षक ये जो सूचना है अब छात्रों को देते हैं और छात्रों की सहमति से वो रोल प्ले करवाते हैं। रोल प्ले में वही छात्र रहते हैं जिनको बहुत जटिल लगता है, उनसे ही रोल प्ले करवाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ग्रहों के लिए कैसे रोल प्ले कराया जाता है। बच्चों के लिए क्या है कि अगर कक्षा कक्ष बड़ा है तो चौक से ही ग्रह के कक्ष बना दिए जाते हैं, वहाँ पर बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है। और बच्चों को खड़ा करने के अनुसार जो शिक्षक हैं वो छात्रों के माध्यम से सभी ग्रहों के नाम चार्ट पेपर पर लिख देते हैं और बारी बारी से क्रमानुसार सभी छात्रों को वो चार्ट पेपर पकड़ा देते हैं। और जो छात्र रहते हैं वो अपनी कक्षा कक्ष में ग्रह की कक्ष में और अक्ष पे घूमते हुए उन ग्रहों के बारे में बताते हैं, जिससे बाकी के जो बच्चे हैं वो देख कर और सुनकर काफ़ी कुछ चीज़ें समझ जाते हैं। इससे जो है बच्चों को काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि ये इस गेम का अनुभव कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उनके अंदर आसान बन जाती है। आशा करता हूँ कि आप भी ये नवाचार अपने विद्यालय कक्षा में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लेकर आते रहेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारा ZIIEI YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी जरूर लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।